हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप। आप सबका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोकेंस इन जावा। और इस टॉपिक में हम बहुत डिटेल में ये बात समझेंगे कि जावा का प्रोग्राम जब हम बनाने जा रहे हों तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़ता है, कौन कौन से टूल्स की आपको आवश्यकता होगी, जिसको हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे टोकेंस इन जावा में। देखो, टोकेंस इन जावा जो वर्ड है इसको आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम इन जावा। बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, ठीक है? तो जैसे बिल्डिंग ब्लॉक का वो आप रियल लाइफ से समझो कि अगर एक घर बनाने की ज़रूरत हो आपको, तो घर को बनाने के लिए कौन कौन से सामान की आवश्यकता है। तो अगर आप देखोगे तो उसमें ईंट की ज़रूरत होगी, आपको सीमेंट की ज़रूरत होगी, आपको बहुत सारी चीज़ों की और ज़रूरत होगी, जिसमें जिसके थ्रू आप उस मकान को, आप अपने घर को आप बना सकते हो। तो आपको मटेरियल की आवश्यकता होती है जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो। तो उसी तरीके से अगर हम जावा प्रोग्रामिंग की बात करें तो जावा प्रोग्राम्स को बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं इन जावा, या फिर टोकेंस इन जावा भी बोलते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कमेंट्स, सेपरेटर, ऑपरेटर, लिटरल्स, ऐसा नहीं कि बस इतना ही है। ये मुख्य ऐसे जो पॉइंट्स हैं जिनको हमको समझना है, जिनकी आवश्यकता हमको होगी जावा का प्रोग्राम बनाते समय। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जान लेना है कि ये कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी आवश्यकता होगी आपको जावा प्रोग्राम तैयार करने में, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर ये समझते हैं कि जावा टोकेंस क्या होते हैं। Java tokens are the smallest individual building blocks or smallest units of Java program. The Java compiler uses it for constructing expressions and statements. Constructing expression and statement का मतलब जो आप लाइन लिखते हो प्रोग्राम्स में उनको स्टेटमेंट बोला जा रहा है, और आप जानते हो कि सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। Java program is a collection of different types of token, comment and void स्पेसेस, ठीक है? तो आपका जावा प्रोग्राम जो स्टेटमेंट आपने लिखा उसमें आप यूज किस चीज़ का करते हो, टोकेंस का यूज करते हो, और जिसके हेल्प से आप जावा का प्रोग्राम बना पाते हो। तो ये तो था डिफिनीशन ऑफ टोकेंस। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि टोकेंस स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनके हेल्प से हम जावा का प्रोग्राम तैयार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज आर द वेरियस टोकेंस यूज इन जावा। रिजर्व कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, सेपरेटर्स होते हैं, वाइड स्पेसेस होते हैं, और इसके अलावा भी कुछ और होते हैं जैसे कमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ ये मुख्य हैं, मेन हैं, जिनके हेल्प से आप जावा का प्रोग्राम बनाते हैं। चलो सबको एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले समझते हैं कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड जिनको बोलते हैं आप, प्री डिफाइंड वर्ड्स है, ऑलरेडी बीन डिफाइंड फॉर जावा कंपाइलर्स, जो कि जावा कंपाइलर में ऑलरेडी जिनका डिफिनेशन पहले से दिया हुआ है। दे हैव स्पेशल मीनिंग फॉर कंपाइलर। जावा कीवर्ड्स मस्ट बी इन योर इंफॉर्मेशन बिकॉज यू कैन, ठीक है? देखो, ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दिया हुआ है, और ये वो वर्ड्स हैं जिनका डिफिनेशन जावा के कंपाइलर में पहले से ही है, जिनका एक कुछ मुख्य काम, आपका कुछ स्पेशल वर्क पहले से डिफाइंड किया हुआ है, इन्हीं को हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं, और इन वर्ड्स को हमको यूज करना ही करना है, ठीक है? नीचे देखिए क्या लिखा हुआ, यू कैन नॉट यूज कीवर्ड एज आइडेंटिफायर। आप एज एन आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम, क्लास नेम, आप इसको यूज नहीं कर सकते हो कीवर्ड्स को, ठीक है? इट रिजर्व वर्ड इन जावा लाइब्रेरी एंड यूज टू परफॉर्म एन इंटरनल ऑपरेशन। ये पहले से रिजर्व वर्ड्स हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, जिनका स्पेशल कोई मीनिंग होगा। तो आपको मैंने बताया कीवर्ड्स के बारे में, ये रिजर्व वर्ड्स हैं और इनको हम लोग जावा प्रोग्राम बनाते समय यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इनको जब यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे, लेकिन आपको जान लीजिए कि कीवर्ड्स ये यूज करने हैं। कुछ लिस्ट दिया हुआ है, ये आपको टेबल में ये जो लिस्ट दिया हुआ है ये क्या है आपके, ये आपके कीवर्ड्स हैं। देखिए, बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज करते हैं हम लोग जावा प्रोग्राम में, ठीक है? तो ऑपरेटर क्या होता है, और हम आपको बहुत जनरल बात बताएं तो ऑपरेटर आप ऑलरेडी यूज करते रहे हो मैथ में,
जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आप ये सब ऑपरेटर आप ऑलरेडी यूज करते रहे हो, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी अगर डिफाइन करना हो कि ऑपरेटर क्या होता है, तो जावा ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। अगर प्रोग्राम में आपको मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन करना है तो आपको ऑपरेटर यूज करना है। जावा इन रीच विद बिल्ट इन ऑपरेटर, इसमें बहुत सारे बने बनाए ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स आर टोकन दैट परफॉर्म सम कैलकुलेशन व्हेन दे आर अप्लाई टू वेरिएबल। अब आप प्रोग्राम बनाओगे तो कैलकुलेशन करोगे ही करोगे, चाहे वो मैथमेटिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो, हर तरीके के मैनिपुलेशन के लिए आपको ऑपरेटर का यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से है ऑपरेटर, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा ढेर सारे ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, यूनरी अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑपरेटर, मेंबर सिलेक्शन सिलेक्शन और डॉट ऑपरेटर, ये सब आपको यूज करना है, ठीक है ना। लेकिन ऑपरेटर के लिए मैं बता दूं, ऑपरेटर पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा, सारे ऑपरेटर्स के बारे में उसमें डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल दूसरा जो बिल्डिंग ब्लॉक है, दूसरा जो टोकन है, वो है ऑपरेटर। आपको ऑपरेटर हर हालत में यूज करना ही करना है जब आप प्रोग्राम को बना रहे हो तो। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स इन जावा। देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को या ऐसे वेरिएबल्स का नाम या मेथड का नाम या पैकेज का नाम या फिर क्लास का नाम आप सेल्फ डिफाइन करोगे, जिसको आपको बनाना ही बनाना है, जिसको हम लोग आइडेंटिफायर बनाएंगे बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स इन जावा आर द सिंबल नेम यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। दे कैन बी क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, पैकेज नेम, कॉन्स्टेंट नेम एंड मोर। हाउएवर इन जावा There are some reserve word that cannot be used as identifier. जो reserve word है उनको identifier तो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि जो भाई reserve words हैं या उनको हम लोग keyword बोल रहे हैं, उनको identifier as identifier यूज नहीं कर सकते। तो कोई एक प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझ सकते हो, देखो रेड कलर में लिखा हुआ है हेलो जावा, ये क्लास का नाम है। यहाँ पे देखो args एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है स्ट्रिंग टाइप का, ये एक वेरिएबल भी कह सकते हो इसको। तो ये जितने भी हैं जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया है या जो प्रोग्रामर डिफाइन करेगा, जो नाम देगा अलग से वेरिएबल का नाम हो चाहे क्लास का नाम हो, वो सब क्या हो गया, आइडेंटिफायर होगा। यानी कि प्रोग्रामर द्वारा ये आपका मतलब डिफाइन किया जाएगा मीनिंग उसका, तो उसको हम लोग आइडेंटिफायर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिटरल्स। लिटरल्स आर द वैल्यूज एक्चुअली, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज जिनको हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, या कांस्टेंट भी बोल सकते हो। लिटरल्स का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो बहुत सारे कांस्टेंट वैल्यूज को हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया गया है, देखिए 340 एक कांस्टेंट यूज किया गया, तो आप वैल्यू की तो यूज करोगे ही करोगे, अगर मैनिपुलेशन करना है तो आपको वैल्यू यूज करना है, तो जो वैल्यूज आप यूज करते हो उन्हीं को हम लोग लिटरल्स या कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए 340 क्या है, कांस्टेंट है, और एक कॉस्ट जो लिया गया है एक वेरिएबल है, इसको हम लोग लिटरल भी बोलते हैं। अब लिटरल जितने तरीके का वैल्यूज हम जावा में यूज करेंगे उतने तरीके का लिटरल भी यूज करेंगे। जैसे इंटीजर अगर वैल्यू है तो वो इंटीजर लिटरल्स हो जाएगा, ठीक है, फ्लोट लिटरल्स हो जाएगा, ठीक है, कैरेक्टर लिटरल्स हो जाएगा, बुलियंस लिटरल्स भी वैल्यूज भी हम लोग यूज करते हैं। तो जितने तरीके के वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं उतने तरीके का हम लिटरल्स यूज करेंगे। अब ये पॉइंट आपको बहुत डिटेल में जब हम तब बताएंगे जब हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए डेटा टाइप इन जावा, तो उसमें आप ये को मालूम चल जाएगा कि इतने तरीके का वैल्यू हम जावा में यूज कर सकते हैं। जितने तरीके का वैल्यू यूज कर सकते हैं तो लिटरल भी उतने तरीके का हम यूज कर सकते हैं, यानी कि उतने तरीके का वैल्यू लिटरल भी होगा। तो ये आपका लिटरल्स इन जावा, इसको भी आपको जावा प्रोग्राम्स में यूज करना है। नेक्स्ट इज द सेपरेटर। देखो वैल्यूज को जब हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं तब आप उस केस में सेपरेटर की भी आवश्यकता होती है। सेपरेटर आप डे फर्स्ट से जब आप प्रोग्राम बनाना शुरू करोगे डे फर्स्ट से आपको सेपरेटर का यूज करना, जैसे कर्ली ब्रेस जब आप क्लास बनाते हो तो उसका ओपनिंग कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस का यूज करते हो, ठीक है, पैरेंथेसिस का यूज करते हो, ब्रैकेट का यूज करते हो, और आपको मालूम ही है कि हर लाइन के एंड को एंड करने के लिए सेमी कॉलन का यूज किया जाता है, कामा का यूज किया जाता है, डॉट का यूज किया जाएगा, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फुल कॉलन का यूज करना है। तो दीज आर द सेपरेटर्स जिनको हम लोग को यूज करना है। तो मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप सबको कि ऑपरेटर में आपको ये रिजर्व वर्ड्स पढ़ने हैं, कीवर्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है,
सॉरी ऑपरेटर नहीं, हम टोकेंस की बात कर रहे थे। तो कौन कौन से आप बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज करेंगे आप? तो आपने आपने आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से टोकेंस यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज किया जाएगा जब हम जावा का प्रोग्राम बनाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हम लोग रिजर्व कीवर्ड्स को यूज करेंगे, ठीक है। ये देखिए कीवर्ड्स का लिस्ट दिया हुआ है। हम लोग ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स मैंने बताया कि एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं केवल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा आपको। तो ये ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। आइडेंटिफायर यूज करेंगे, जो प्रोग्रामर डिफाइन करता है वर्ड्स उनको हम लोग आइडेंटिफायर्स बनते हैं। वो क्लास नेम हो सकता है, वेरिएबल नेम हो सकता है, मेथड नेम हो सकता है, तो ये हम लोग आइडेंटिफायर भी यूज करेंगे। लिटरल्स यूज करेंगे, वैल्यूज यूज करेंगे। तो कितने तरीके का जावा में वैल्यूज यूज किया जाता है वो मैं डेटा टाइप वाले टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन वैल्यूज का मतलब यहाँ पे वैल्यू की बात की जा रही है। वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है, फ्लोट वैल्यू भी हो सकता है, डेसिमल वैल्यू या फिर कैरेक्टर वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी वैल्यूज यूज करेंगे वो लिटरल्स है। सेपरेटर्स का यूज करना ही करना है आपको, बिना सेपरेटर के आप यूज नहीं कर पाएंगे, प्रोग्राम को बना नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका इतना सिंटैक्स है जैसे पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रेस है, तो ये सेपरेटर को आपको यूज करना ही करना है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया, टोकेंस इन जावा बताया, ठीक है ना। और टोकेंस इन जावा को हमने क्या बोला, हमने टोकेंस इन जावा को बोला बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम। तो जावा प्रोग्राम में कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत होगी जब हम जावा का प्रोग्राम बना रहे होते हैं। देखिए आप वो सारे पूरे वीडियो आई होप आपने देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आपने वो वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।